आई नो कमेंट मत करो, मैं जानता हूं मैं घर आ गया हूं, आई नो दैट। देखो 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 आप कमेंट करने वाले हो, बदतमीजी नहीं, मुझे पता। हाँ भाई मैं जानता हूं मैं घर आ गया हूं यार, बट इंपॉर्टेंट था, कुछ इसलिए आना पड़ा एक्चुअली। हाँ वहां जहां पे फायर रिसर्च लैब जो है रोबोटिक्स का, उसे एक्सप्लोर करने वाले हैं, सैम की डेथ का पता लगाने वाले हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कुछ चीजें मिसिंग थी वहां पे, अगर आपने नोटिस किया हो तो। एक्चुअली क्या मिसिंग है मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे जो आइटम है ना, एक सेकेंड गोल घूम के वहीं पहुंचे। मैं एक्चुअली यहाँ पे आया हूँ बनाने के लिए बैटरी और थंपर, इन चीजें इन चीजों को लेके मैं वहां पे जाऊंगा, क्योंकि वहां पे जो शैतान घूम रहा है उसे फाइट करने के लिए भाई चाहिए ना। आप थोड़ी वहां पे वो तलवार लेके आ रहा, मैं चप्पल लेके दौड़ जाऊं, फिर तो मारा जाऊंगा ना, ऐसा नहीं कर सकता मैं। नमस्कार देवी और सज्जनों, माय डियर दमदार किंग्समैन, आप देख रहे हैं सबनॉटिका बिलो जीरो का अगला एपिसोड, जहां पे मैं कुछ आइटम्स बहुत ही थोड़े मोड़े पिन करने वाला हूं, वो हम बनाएंगे और लेके वहां पहुंच जाएंगे। बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत थोड़े से हैं, लेकिन वो इंपॉर्टेंट है। लेट मी शो यू थंपर, तो ये बनाने वाला हूँ। ये फिलहाल मुझे पता है आप ये जान चाहते हो मैं बना के इसको दिखाऊं कैसे काम कर रहा है डॉल, ये टेलीपोर्टेशन वाला, लेकिन अभी फिलहाल सोच रहा हूँ कि रुक जाता हूँ, अभी हम उस आइलैंड पे कोई जरूरत खास है नहीं, ठीक है, सच बताऊँ तो अभी यहाँ पे हम ठीक हैं। सो और जहाँ तक बात है डॉकिंग, मैंने बना रखा है, फैब्रिकेटर बना रखा है, एक्वेरियम नहीं बनाया है मैंने, और ये स्लीपर दो चीज़ें नहीं बनाई है, ठीक है। तो इनकी बात अगर करूँ तो कुछ खास अभी ऐसा जरूरत पड़ी नहीं है, इसलिए बनाया नहीं है, क्योंकि उस आइलैंड पे स्लीपर क्या करूँगा लेके, मैं पानी में थोड़ी टहल रहा हूँ, बात समझ में आ रहा है, समझ रहे हो क्या कहना चाहता हूँ मैं। तो अभी मैं जो चीज़ें यहाँ बनानी है उनको बनाते हैं और लेके निकलते हैं फटाफट, कोई यहाँ पर रुकने का कोई ताम झाम ही नहीं है, बस बनाना है निकलना है। ऑल राइट, ये इसलिए है ना कि वहां पे जो प्रॉन सूट है उसके पास मैं चाहता हूँ ताकत पूरी रहे, कहीं से भी कोई कमी ना रहे फाइट करने में, क्योंकि जब मुकाबला होता होगा तो टक्कर का होना चाहिए, समझ रहे हो आप, इसलिए। और थंपर का अच्छा टाइटेनियम चाहिए होगा, अरे नहीं टाइटेनियम तो है, कहाँ देख रहा हूँ मैं, बैटरी चाहिए, अरे बैटरी से याद है, क्यों ना मैं बैटरी का लेके चलूँ वहाँ पे यार, अच्छी आइडिया ना ये, अरे हाँ राइट, इसको निकाल लेते हैं। ये वहाँ लेके चलते हैं, वहाँ लगा लेंगे पावर सेल चार्जर, मुझे मैं वहां पे बना सकता हूँ आई थिंक, मैं बड़ा देख लेता हूँ, बस एक सेकेंड रुकिएगा। एडवांस वायरिंग लिथियम, ये ले चलते हैं यार, क्या बोलते हो, लेके चलते हैं, एक मिनट चीज बनाना पहले, बना तो ले, ये रहा थंपर, थंपर शायद उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए है। Used by miners and researchers to explore perilous environments, the thumper creates a steady source of noise that might repel unwanted creatures by amplifying collision sound waves. यार मैं इसको क्यों लेके जाऊं, बना क्यों ना लूं, एडवांस वायरिंग दो लिथियम दो टाइट बना लेता हूं यार, ये यहां का आइटम इसको यहीं छोड़ो ना, ये गलत बात है, वही ये तो मान लो दो से तो एक निकाल लिया चलता, लेकिन ये तो एक ही है, इसको लेके जाना कोई अच्छी बात नहीं है, मैं फटाफट बना लेता हूँ, कोई बहुत तामझाम वाला काम नहीं है। और एक अगर मैं बैटरी सॉरी पावर सेल चार्जर ही ना बना पाऊँ तो फिर किस काम का इतना भयानक ये बेस, इसके जो आइटम चाहिए मेरे पास ऑलरेडी है, कोई तामझाम नहीं कि उसको लेके आना है बनाना, ऐसा कुछ नहीं है, बस डिज़ाइन मार रहा है, कहाँ से होगा, यहाँ से, ऑलराइट दो लिथियम परफेक्टो, एक एडवांस वायरिंग परफेक्टो, और हो गया बात खत्म, इतना ही चाहिए था मैन, इट्स ओके, बाकी चीजें मेरे पास है, कुछ करना है नहीं, कॉफी भर लेते हैं फिर निकालता हूं, जस्ट एक मिनट। क्योंकि इमरजेंसी बड़ा काम आता है मैन ये, आपने नोटिस किया होगा आखिरी बार, तो कुछ खा लेता हूं जब तक ये भर रहा है। ये गोल गोल घूमने की आदत पता नहीं, खैर
बढ़िया। चलिए बस इतना ही काम था, बस इतना ही था, निकला जाए। एक सेकेंड ना, चलिए। अब बहुत बड़ा रहस्य खुलने वाला है सैम की डेथ का, तो भागना नहीं, अब आराम से बैठ के वॉच करो, पानी वानी ले लो और मोहब्बत से बैठ के देखो। चलो उस तरफ है क्या? नहीं, अब एक छोटा सा इन्नी मुन्नी सा काम करना है इसको। ये मैंने पौधे वैसे लगा दिए थे यहां पे ताकि कल को अगर फ्रूट्स की जरूरत पड़े तो मैं यहां पे लगा दूं। सिर्फ एक? सीरियसली? मैंने इसमें तो फ्रूट ही नहीं है। अच्छा ये बना ही कहाँ है पूरी तरह से? ओ ये भी ओके, कोई बात नहीं। ऑलराइट, खैर मैं करने वाला था। हाँ मैं कह रहा हूँ कि टाइटेनियम मेरे पास है, ठीक है यार, प्रॉन का इस्तेमाल करते हैं ना। थैंक यू सो मच। मैं बहुत जल्दी यहां से इसको बस थोड़ा सा थोड़ी दूर और लेके जाना है, शिफ्ट करना है बस हल्का सा। मैं वो कर दूंगा बहुत जल्दी, एक सेकंड है बस मैं देख लूं। कुछ आइटम्स मुझे एक्चुअली देखने थे कि ये बड़ा काम आ रहा है सच बताऊं तो ये मशीन। जैसे मेरे पास प्लास्टिक इंगट मैंने बना रखा है यहाँ पे, इसको निकालो फटाफट, टाइटेनियम मिल जाएगा, इसको लगाओ यहाँ पे। और निकालो, इजी ना। चलो ओके बेबी लेट्स गो। बस ये रुक जाओ, कम ऑन। ये मेरा नहीं है, ये आपका ही, आप अपने पास रखो, जो मेरा आइटम है मुझे दे दो। थैंक यू सो मच। आइए ये बिल्कुल बीचों बीच बना रहा हूं क्योंकि यहां से हर रास्ते जा रहा है, राइट से भी, सामने से भी, लेफ्ट से भी, और पीछे हमारा खुद का जो हम जहां से आने वाले हैं वो रास्ता है, इसलिए मैंने इसको यहां बनाया। और इसकी एंट्री पॉइंट पे इधर ही बनाते हैं ताकि निकलने में दिक्कत ना हो। बढ़िया ना, कूल। आ जाओ। अरे वेट 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 वेट, पावर नहीं होगा। इमरजेंसी पावर ओनली, माय बैड, सॉरी। ऑक्सीजन प्रोडक्शन ऑफलाइन। या आई नो आई नो।
अरे हद बदतमीजी है यार। मैं भी तक इसमें डर रहा था पास जाने पे कि मैं जल ना जाऊं, बट ऐसा नहीं है। हेल्थ मतलब वो सूट की वजह से राहत है, ये कहना चाहता हूं मैं। एक मिनट, एक इधर भी लगा देंगे अभी, बस मेरे पास अपना आइटम है नहीं। सो पावर रिस्टोर्ड, ऑल प्राइमरी सिस्टम्स ऑनलाइन। वेलकम अबोर्ड कैप्टन, गुड टू बी होम बेबी। Emergency power only. Oxygen production offline. ऑलराइट, ओह वाओ, क्या बेहतरीन मौसम हुआ पड़ा है मैन। चलिए लगभग सारे आइटम मैं लेके आ गया हूँ, फिलहाल निकलते हैं। यहाँ बस डायमंड बचे हुए हैं अभी, जिसका कोई खास मेरे पास कोई काम नहीं है। सो
इससे आइटम कम से कम कैरी करने में आसान हो जाता है चीज़ों को, जब आप बल्क में लेके जा रहे हो तो कंबाइन कर दो, उससे थोड़ा सा इजी हो जाता है काम करना। बहरहाल ये हो गया, अब देखते हैं कि ये चाहिए क्या, 2 लिथियम। मैं 2 अपने साथ पावर सेल लेके आया था राइट। अब मस्त ही आराम से घूमो, आराम से पावर सेल लाओ, चार्ज करो और फिर घूमने निकल जाओ, परफेक्ट हो ना। ओके, जहाँ तक बात इसकी हुई एक बार और देख लेता हूँ। हाँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी वो थी यार ये पानी वाला, ये लगा देते हैं यहाँ पे एरोजेल, कि कल को हमें दिक्कत ही नहीं होगी यहाँ पे, मतलब वाटर के लिए कि बैठ के हम टेंशन ले रहे हैं पानी का, ये खत्म हो जाएगा। वेट, वहां मैं ग्लास लगाऊंगा, वहां नहीं यहां लगाओ। परफेक्ट। याद है आपको जब पिछली बार सबनॉटिका में हम गए थे, हम बिल्कुल अंडरग्राउंड पे जा रहे थे एलियन वाले बेस पे, तो मैंने एक छोटा सा बनाया था वहां पे ताकि जब घूमने जाए तो पंगा ना हो वहां पे, कुछ कुछ ये वैसा ही फील दे रहा है। नाइस यार, नाइस एंड ईजी। चलिए पर एक बार मैं आइटम चेक करूँ फिर आंस निकाल रहा हूँ एक जरूरी चीज़ लगा के। हाँ कूल, अब छोटा सा अपना कुटिया लग रहा है, बढ़िया सा नहीं। चलो ओके लेट्स गो, कोई आइटम मेरे पास एक्स्ट्रा ऐसा कुछ हो तो निकाल देता हूँ, फिर चलते हैं। स्टाइटेनियम किसी फिलहाल भी निकाल देता हूँ और थंपर रख लेते हैं अपने पास, बाकी ये हेडबैंड मेरे पास, इसको मैं पहन लेता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत पड़ेगी। इसको बंद कर देता हूँ और पानी की बोतलें बहुत ज़्यादा हैं, इसको इतनी ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। खाने की, हाँ खाना तो चाहिए होगा, 2 मछलियाँ मेरे पास है, ये पानी पीने के लिए है, हेल्थ के लिए हो गया। सारे टूट ब्रीदर निकाल दो और गन लेके चलते हैं। आने वाले वक्त में जो ये है ना जो पौधे वहां लगे उसको भी यहां लगा दूंगा। मेरे पास क्वार्ट्ज अगर होता, ये क्या, अरे ये आधा उधर बीच में, ये आधा पाधा क्यों कर रहे हो यहाँ पे यार। एनीवे हाँ निकलते हैं। Welcome aboard, Captain. Let's go, boy. मेरी गन एक्चुअली यहीं रखी हुई है, सो उसको ले लेते हैं। Emergency power only. कोई बात नहीं, आंटी से oxygen production offline. बस गन लेने आया हूँ यार। अब मोहब्बत से एक्सप्लोर करेंगे सारी चीज़ें, कुछ छोड़ना नहीं है। एक मिनट, मैं जो चीज़ें लगाना है इक्विप कर लूँ अपने पास ताकि कल को अगर दिक्कत हुई तो मुझे पता ही कहाँ से हथियार रखे हुए मेरे। थंपर यहाँ लगा, थंपर अभी यूज़ करें, देखा नहीं मैंने कैसे यूज़ होता है, क्या होता है थंपर, बट फिलहाल। और लाइट मेरे पास है फिर भी रख लेते हैं, लेज़र कटर और बच्चे। एक मिनट, एक सेकंड, थोड़ा तुम्हारी हेल्थ में एक बार देख लूँ फिर आगे बढ़ते हैं। फाइव
स्पाई रोबोटिक सेंटर। यार एक काम करते हैं, एक रुको रुको, ये चीज निकाल देते हैं इसमें ताकि हमें दिक्कत नहीं होगी जाने में। ड्रिल आर्म निकाल देता हूँ मैं। इसे हुआ क्या ना कि अगर मैं कुछ चीज आइटम उठाना हुआ तो बैठे बैठे उठा लूंगा, उतरना नहीं पड़ेगा। मैं सही जा रहा हूँ ना? एक मिनट यार। एक बीकन लगा दूं यहाँ पे ताकि मुझे पता तो हो कि घर कहाँ पे कहाँ भाग के आना है। ओके, यानी अगर हमें कोई दिक्कत हुई तो सुखचैन साहब घर लौट के आ जाएंगे, हमें पता रहेगा कि यहाँ कहाँ लौट के आना है। चलो बेस्ट। एक्चुअली मैं इसलिए उठा रहा हूँ ना बार बार, क्योंकि इसी से बनेगी हमारी बिजली, ठीक है? और मुझे पावर चाहिए वहाँ पे, इस बेस में पावर और देनी है, क्योंकि जो उन्हें पानी के लगा रखा है ना वो खाएगा बिजली, समझ रहे हो आप? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उतरना चाहिए शायद यहाँ पे, ऐसे एक्सप्लोर करना ज़्यादा मज़ा आएगा। यहाँ पे ये पॉइंट है मार्क वाला, और यहाँ से आगे बढ़ते हुए पॉइंट आगे बढ़ रहा है। ये क्या है? दिस कमर्शियल विद स्मॉल क्लस्टर ऑफ फंगी दैट फीड ऑफ द डेमिस। क्या नाम है इसका? मार्बल्ड। एक मिनट, ये बनता है, इसी से बनता है क्या ये वाला पानी वाला? एक मिनट दिखाता हूँ मैं। कैप्सूल नहीं, अलग चीज़ है, तो फ्रॉस्ट वेस्ट प्लांट है, बट मैंने बनाया नहीं जाना, क्योंकि पानी के लिए क्या, पानी ऑलरेडी है, मशीन लगाई दिया है। तो इज देयर एनी पीडी और इन्वेंटरी फुल क्या रखा मैंने ऐसा? अच्छा ये देखो करेजा को, शाबाश। ये भर रखा है मैंने। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ तो कुछ ऐसा खास है नहीं, रोबोटिक्स वाला भी चलता है। आइए इसको निकाल के ना, ये हेल्थ है ये रख लेते हैं ये। हाँ चलो 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 चलो, रुकना नहीं है बाबा, रुकना नहीं है, रुक क्यों रहे हो? चलो काम बहुत ज्यादा है, वक्त बहुत कम। लुकी लुकी बेबी फाइव रोबोटिक सेंटर। इधर भी कुछ है यहाँ पे, बट फिलहाल यहाँ चलते हैं। ऐसा लगता है लैंडिंग बेस है, नहीं? करेजा ऐसा तुम रुको यहाँ पे, हम थोड़ा घूम घाम के आते हैं, राइट? अरे ये तो वही है शायद, कि जो शायद पता नहीं लग रहा है देखने पर, फ्रॉस्टेड द फ्रॉस्टेड लार्ज प्लांट दैट कलेक्ट बीट ऑफ स्नो अलोंग इट्स रेड स्ट्रॉ 10% स्ट्रॉ इज रेजिस्टेंट टू सर्विस ऑफ स्नो स्पेशली हॉरिजॉन्टल इन द बॉडी ऑफ द प्लांट फ्रॉम। हमारे लिए कुछ काम का हो तो बताओ ना बाबा। एनीवे एक मिनट मैं वो लगा लूँ यहाँ पे।
थंपर टेस्टिंग की जाए क्या एक बार यार? मन कर रहा है पता नहीं क्यों, ये काम कर रहा है ना, एक मिनट जा देखो। अरे काम नहीं कर रहा, दिक्कत की बात हो जाएगी। आ बढ़िया, नहीं सही सही। Phi Robotics. This is where Sam worked. So ये वो एरिया जहां सैम काम करती थी, जो भयानक तरीके से ध्वस्त हो गया है। अब देखते हैं क्या पता चलता है। Sam loved working here with her spy pinglings. Do all humans like work? The lucky ones do. Are you lucky? I used to think I was. इस तरह खोजूंगा इस बार कि आपको कमेंट करने का मौका ना मिले पीडीए के लिए। ये मैं बिल्कुल नहीं पता आज तक चला कैसे होता है, आई डोंट नो व्हाई हर बार ये चीज अपने आप यहाँ मार्क हो जाती है। कंट्रोल स्पीकर मैं भी करूंगा तो क्यों करूंगा, पागल थोड़ी हूँ पागल। ये आई डोंट नो व्हाई बार बार चेंज हो जाता है और मुझे बार बार इसको ऑन का ऑफ करना पड़ता है। खैर। हे सैम। हे देयर पेंगलिंग बडी। हाय फ्रेड, व्हाट ब्रिंग्स यू दिस वे? आई वाज जस्ट पासिंग बाय, लिलियन वांटेड अ हैंड विद अ डीप डाइव आउट इन द ब्रिजेस। You know, I think she's right. There is some weird stuff out there. The clicking sound? An SOS. I heard it with my own ears. So you think she's right? There's intelligent life down there? I don't know. I'll leave that to you scientist types. This scientist is more at home with these penguins. But if my sister was here, she'd be all over this. Wait, are you telling me you're not the brains in the family? Oh, my family has many different brains. Like a hydra? Well. Oh yeah, actually I like that analogy. Makes it hard to get along sometimes, but it's never dull. बहुत सारे महीनों की अथक परिश्रम के बाद इन्होंने फाइनली एक रोबोट तैयार किया, पिंगलिंग। पेंगुइन्स के ही चाल चलन पर आधारित था ये। वार्निंग, रिसर्च टू क्रिएट अ वाटरप्रूफ एडिशन ऑफ द स्पाई पेंगुइन वाज हाल्टेड ड्यू टू कंप्लायंस कंसर्न्स। ओके, फीचर क्या है? फुल्ली कस्टमाइजेबल आउटर शेल टू रिप्लिकेट एनी स्मॉल बाइपेडल क्रिएचर। ओके, टू ऑल टेरेन ट्रैक्स फॉर स्मूथ मूवमेंट। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, ये रिमोट कंट्रोल्ड है। रिमोट कंट्रोल फॉर ऑपरेटिंग एट डिस्टेंस अप टू 80 मीटर अवे। ऑल राइट, फोर स्टोरेज स्लॉट भी इसमें रखे हुए हैं। सेल्फ डिस्ट्रक्ट ऑप्शन भी है इन केस ऑफ डेंजर और इमोबिलिटी आर्म विद 3 प्रोंगलैंड क्लॉ फॉर ब्लूलैंड। ये इसके पास क्लॉ है जो चीज़ों को पकड़ सकता है, रोटेट कर सकता है एंड ऑल। आराम से आप बैठो रोबोट को अपना काम कर। ये बने हैं कैसे लेकिन यार? ये रहा टाइटेनियम वायरिंग सिलिकॉन बैटरी, बहुत बढ़िया। टाइटन, अरे बड़े मोहब्बत से बना सकता हूँ इसको मैं, बहुत प्यार से। अरे बहुत बहुत बढ़िया। आ ये यहाँ का मैप होगा शायद। एक मिनट, प्रीवियसली एक्सप्लोर्ड रिसर्च क्वेश्चन इज अबाउट द स्पाई पेंगुइन। अच्छा, स्पाई पेंगुइन द्वारा रिसर्च किया गया, तो बड़ा अजीब बना हुआ लेकिन। यार नहीं, शायद समझ में तो आ रहा है यार। ब्रिज वहां बना हुआ है, ब्रिज से आगे निकला था मैं, लेफ्ट से पूरा गोल घूम के ब्रिज को मैंने। अरे हाँ, ये चीज, ये मैप तो बड़े काम का है। और ये रोबोटिक सेंटर जो बना हुआ है उसके राइट से एक रास्ता जा रहा है जो पता नहीं कहीं किसी गुफा में जाए खत्म हो जा रहा है, और लेफ्ट से जो रास्ता जा रहा है वो आगे की तरफ। अरे हाँ, लेफ्ट से रास्ता जा तो रहा था जो मैं अभी देखा, अपने ओडिशा में बर्फ तोड़ रहा था मार मार के, फिर पीछे की तरफ हट गया। यानी बर्फ की तरफ जो रास्ता जा रहा है पूरा आगे बढ़ता हुआ जाएगा, फिर कुछ है वहां पे पानी ऐसा, मैं उंगली से दिखा रहा हूँ सॉरी। गोल घूमते फिर आगे जा रहे टावर की तरफ। ये बात बढ़िया 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 यार। वैसे इसका एक और मिल गया तो मजा आ जाना। ये जो अभी स्नो फॉक्स वाला था मैं बना लूँ, यहाँ पे घूमने में मजा आएगा उस पर बैठ के। एक मिनट, चलिए आइए। डॉक्टर जेटा लैंडर, वाओ।
आइटम्स फुल है। एक मिनट यार, अच्छा ये शोभा के लिए होता है एक्वेरियम। अरे वाह नया सूट, क्या बात है। शोमी 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 कोल्ड सूट फ्रैगमेंट। ओहो ये अब मिला कुछ दमदार। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, फिर दिखाओ। न्यू ब्लूप्रिंट सिंथेसाइज्ड। अरे ऐसा दिखाओ पढ़ पाऊं यार, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। हाँ अरेवेल द प्रोडक्शन फ्रॉम कोल्डर क्लाइमेट द कोल्ड सूट इज आइडियल आउटफिट फॉर। अरे बार बार जो ये बर्फ का ये टेंशन ही खत्म यार, जो जल रहे हैं बार बार। फर लाइन फॉर नेचुरल हीट ट्रांसफर रिडक्शन, ड्राई लेमिनेटेड ये वो रेटेड टू फिलहाल का कंप्रेसर, ठीक है। बने कैसे बताओ फटाफट। अरे क्या बात है, फाइबर में सर स्नो स्टॉकर फर ये लो। अब बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, वो वाली बात हो गई। इसका फर कैसे मिलेगा फर? अरे हाँ पेंगलिंग से मिल सकता है, इसको भेज के ला सकते हैं यार, उस पर क्लॉ है ना, क्लॉ क्लॉ इसीलिए होगा। फाइबर, बस फाइबर फाइबर चाहिए और कुछ नहीं बाबा। बड़े प्यार से बना सकता हूँ मैं, बहुत ही मोहब्बत से बना सकता हूँ। अमेजिंग यार, बहुत बहुत बढ़िया। एक मिनट कुछ है, अच्छा बैठ। Your team is sponge and part of the team with the bomb left cell explode and the element of the... ये जो यार इनके साथ बाकी एक सेकंड, मैं बाद में बात करता हूँ उस बारे में आपसे, जो बोलना चाहता हूँ आराम से। क्या करूँगा इसको लेके, प्ले तो करता नहीं हूँ मैं कॉपीराइट की वजह से, वैसे ले लेता हूँ फिर भी। कॉपीराइट का चक्कर है बाबू भैया, इसलिए प्ले नहीं कर पाता मैं। आइए व्हाट इज, क्या क्या क्या, अरे सैम कमरा है शायद ये। ओ बॉय This must have been Sam's room. But something's not right. क्या ब्लास्ट हो गया ये? Hi you. How's everything at Pengling Central? Oh, fine. But I haven't heard anything since giving the footage to Zeta. It's been, what, a week? Did she promise you a report? No, but I expected some kind of reaction. Maybe I should take it up with Emmanuel. It is Kara, after all, and it could cause a lot of suffering if it got out. Why would it get out? We have professional containment and know how to neutralize it in an emergency. Sam, I love you, but you don't know what you're talking about. You... Love me? Wait, why do you know so much about this? It's my area of research. Why are you being evasive? Oh, I'm gonna tell you something, and then you have to drop this crusade you're on before you damage your career. We're researching the bacteria. What kind of research are you doing? I don't want you worrying about this. We are aware of the possible downsides, but they're far outweighed by the potential. That's as much as I can tell you. Sam. I need to think. I have to go. तो यहाँ से मालूम चला सैम को इसके बारे में कि ये लोग बैक्टीरिया पर रिसर्च, क्योंकि सैम वो मतलब आप रोबोटिक्स में हो, बायो में क्या चल रहा है, क्या मतलब उस चीज से आपको यार? आप रोबोटिक्स के लिए आए हो यहाँ पे काम करने के लिए, आप रोबोट्स बना रहे हो, फिर लेकिन कहते ना कि कोई आप कोई भी काम कर लो, चाहे आप इंजीनियर डॉक्टर कुछ, इंसानियत तो अलग चीज़ होती है, वो थोड़ी चीज़ बदल सकते हो आप। तो जब सैम को मालूम चला उसके बारे में कि यार जो चीज़ यहाँ पे हो रही गलत है, तो कैसे खुद को रोक पाती? जब सैम को मालूम चला कि यहाँ वो लोग रिसर्च कर रहे किसी बैक्टीरिया पे, खारा बैक्टीरिया पे एक्चुअली, और वो अगर वो यहाँ से आउटब्रेक होता है तो फिर वो पूरे ग्रह को तबाह कर सकता है।
मतलब वहाँ के जीव जंतुओं को सारी लाइफ खत्म कर देगा, तब से आगे सैम के अंदर वो आ गई कि नहीं मुझे उसे खत्म करना है, ये करियर रहे ना रहे उसे नहीं चलने दूंगी मैं। ये देखो ये उसके लिए होगा ट्रेवल करने के लिए। अरे क्या हो रही है? Original spectrum may run this alien structure power but the grist may have been released artifact of the further research indicated that the guitar in fact medium range teleporters. इसके बारे में पता है हमें तो ऑलरेडी, हाँ टेलीपोर्ट करता है बट ये काम कैसे करेगा, वो आयन क्यूब से वो आयन क्यूब कहाँ लगाना है, इसका मतलब ये कि रिसीवर है ना कि सेंडर है, यानी कि आयन क्यूब कहीं और लगा के हम यहाँ पहुँच सकते हैं। ये बात ले लेंगे बाद में कभी आएंगे, तो अभी फिलहाल रहने देते हैं क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है मेरे पास जो मैं ड्रॉप करूं, या वैसे इसको अगर हटा दूं तो फिर मैं दोनों चीजें ले सकता हूं। ये बहुत ही प्यारी चीज है, देख रहे हो 85 एंड ऑल, बट मैं उसे यूज नहीं कर रहा हूं अभी फिलहाल के लिए। तो खैर इन्होंने हर चीज यही दे रखी कि आप यही सब कुछ बना लो आराम से बिना किसी दिक्कत के, सारी चीजें आप क्राफ्ट कर सकते हो। ये बहुत प्यारी चीज है। टेढ़ा मेढ़ा सा फील हो रहा है, नहीं रेडियो, इस बार रेडियो हमारे किसी काम आया नहीं, मतलब नहीं। फ्रैगमेंट सीरियसली ऑलरेडी है मेरे पास। एडमिनिस्ट्रेशन, ओ बॉय, ये है हमारा मेन रूम ना जहां पे कंट्रोल करने वाला। फिर पहले किचन देख लेते फिर चलते हैं। Hey guys, I'm so glad you're here. Where else would I be? Like I'd miss Fred being exposed as the alien intruder. That's not gonna happen. But you didn't say you were not the intruder. No, not this argument again, I beg you. I think the game will settle this debate. So, I just want to ask you something quick before Zeta gets back and we start playing. It's about the cavern, with the frozen Leviathan. I investigated, and... You investigated? When? I didn't see you. Maybe you were asleep or busy doodling inappropriate sea creatures. Those drawings are art. Anyway, I've looked into it, and I think we have reason to be concerned. It wasn't that long ago this planet was uninhabitable. But if we work together, we can get them to put an end to the Kral mutation experiments. I'm not comfortable with this. Samantha, you're paranoid. Come on now. You're Sam out. She has her safety at heart. And the rest of us don't? Zeta! Can we play the game now? Fine. एक बात बताता हूँ आपको, ध्यान सुनना। जो करूं, जो दो शिप आपको दिखे थे ना यहां, बहुत सारे रेफरेंस सबनॉटिका से लिए गए हैं, ठीक है, जो
जो आपने स्टार्टिंग में देखा था वो क्या कह रहा था मैं, दो मरकरी और चीजें दिमाग में एक साथ घूम रही है, पांच छह ड्रिंक पानी की बात कर रहा हूं, एक मिनट। जब हम यहाँ पे रिक सर्च कर रहे थे तो हमें दो शिप दिखे थे, K8S7 करके और एक मरकरी। ये दो वही हैं जिनको जब ये प्लैनेट, ये अलग जगह नहीं है, प्लैनेट तो वही है ना, बस लोकेशन अलग है। तो जब यहाँ पे आ रहे होंगे तो उसी कैनन ने मार ही गिराया होगा उनको भी, तो ये उन्हीं के रिक पड़े हुए थे वहाँ पे, ठीक है, मरकरी और जो दो K8 थे। फिलहाल देखते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है हमारे लिए। अरे यार बड़ी क्यूट चीजें मिल रही है, बट सब खाया जा रहा हूं मैं, सब खाए की खत्म की जा रहा हूं। कोई बात नहीं, इट्स ओके, थर्मस तो है। ओह यू ब्रॉट अ फ्रेंड, स्पाई पेंगलिंग इन ट्रेनिंग, वी आर रिकॉर्डिंग ऑडियो, इज दैट ओके? ऑफ कोर्स, आई हैव द फोटोज यू सेंट। व्हाट एम आई लुकिंग एट हियर? कोरल पस्टुल्स ऑन द फ्रोजन लेविथन। That's nothing to worry about in and of itself. It's well contained. The ice samples suggest it's been frozen since the time of the outbreak. The strain made the planet uninhabitable. If it mutates... Are you feeling unsafe? Very. If I escalate this issue for you, will you feel comfortable enough to concentrate again? I have deadlines for the snow fox and the mining bots coming up. I really need your focus on the penglings. Oh. Yeah. That's a relief, actually. I was expecting more of a fight. Nothing is more important than our safety. I'll take care of it, okay? Thanks. I won't let you down. Thanks, Sam. Keep up the good work. Oh, my God. अभी जो बात हुई वो ट्रेनिंग को लेकर था, पेंगलिंग को ट्रेनिंग को लेकर कैसे ट्रेन किया गया होगा इन्होंने, और ये क्या है? ये वो होगा स्नो फॉक्स ओवर पैड फ्रैगमेंट, यानी लेकिन यार ये तो ठीक है बट वो नहीं है मेरे पास, बनाऊं न्यू ब्लूप्रिंट सिंथेसाइज्ड, ये तो नहीं बन पाया ना अभी, इसका थर्ड, इसका भी चाहिए यार, तभी इसको बना पाऊंगा घूमने के लिए यहाँ पे। उम्मीद करता हूँ मैंने कुछ छोड़ा नहीं होगा, एक बार प्लीज कमेंट करना अगर आपको लगता है कुछ मिसिंग है यहाँ पे, तो लेट मी नो। और हाँ निकलते हैं, हाय देयर बड़ी, मौसम खराब है, मुझे लगता है कि मुझे अंदर जाना चाहिए। Welcome aboard, Captain. So thank you so much guys, आज के एपिसोड वॉच करने के लिए, मैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में मिलता हूँ। पेंगलिंग बनाएंगे और मे बी स्नो फॉक्स बनाएंगे और काफी चीजें यहाँ पे और रिसर्च करने के लिए है वो भी करेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, फिलहाल मैं अपने बेस वापस जा रहा हूँ, अपने इस साहब घर पे जा रहा हूँ, और वहाँ जाने के बाद मैं वो लगा लूँ, क्या कहते हैं उसको, मैं चलता हूँ यार, मैं चलता हूँ। अरे वाह, आज का एपिसोड खत्म हो चुका है, स्टोरी आप कोई कंटिन्यू नहीं करने वाले हैं, आप चाहो तो वीडियो यहाँ से क्लोज कर सकते हो, मैं बस थोड़े से मॉडिफिकेशंस करूंगा, लाइक मैं यहाँ पे दो क्वार्ट्स लेके आया तो था भी कहाँ, अच्छा इसमें होगा, ओके
Perfect. Welcome aboard, Captain. Nice, yaar. Good to be back. मैं क्या कह रहा था, लगाने के लिए पौधों को लगाने के लिए सोच रहा था कि लगा दिया जाए उसको आस घर के आसपास ताकि दिक्कत ना हो. फिलहाल इसमें क्या चल, बहुत स्लो काम. अच्छा इसमें सॉल्ट नहीं बना ना, इसलिए बार सॉल्ट बन जाएगा तो जल्दी जल्दी काम करेगा, वो थोड़ा वक्त लगेगा इसमें. बहरहाल घर के बाहर लगा सकते हैं क्या इसको? एक सेकंड. ओह माय गॉड, सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल मैन. कितना प्यारा लग रहा है छोटा सा घर अपना ये. कूल ना. चलिए अपना ख्याल रखिए, आपसे बहुत जल्द मिलता हूं मैं नेक्स्ट एपिसोड में. मैं थोड़ा सा सो लेता हूं. चलिए, जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम.